नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रताप सिंह। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है स्कैफोल्डिंग लोड कैलकुलेशन, मतलब कि हम लोग एक स्कैफोल्डिंग के प्लेटफॉर्म पे कितना लोड कैलकुलेट करके उस पर कितना लोड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, कृपया करके प्लीज़ आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्कैफोल्डिंग लोड कैलकुलेशन ऑन ए बे, मतलब कि एक बे के ऊपर हमारा जो स्कैफोल्डिंग का लोड कैलकुलेशन कितना होता है, कितना लोड हम लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास जो स्कैफोल्डिंग का जो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है स्कैफोल्डिंग के प्लेटफॉर्म का, टोटल एरिया कितना है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए टोटल एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म। दूसरा चीज़ क्या होता है कि पर स्क्वायर मीटर लोड, मतलब कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके पर स्क्वायर मीटर पे कितना लोड हम लोग को आ रहा है, कितना हम लोग देने जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी हम लोग आगे शेयर करेंगे। सबसे पहले इन चीज़ों दो चीज़ों को निकालने के लिए, टोटल एरिया और पर स्क्वायर मीटर लोड को निकालने के लिए हमारे पास तीन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्या है दोस्तों, हमारा जो स्कैफोल्डिंग मटेरियल के बारे में। दूसरा चीज़ आता है स्कैफोल्डिंग बे लेंथ। स्कैफोल्डिंग बे लेंथ क्या होता है, बे लेंथ की ज़रूरत कब पड़ती है दोस्तों हम लोग को टोटल एरिया निकालने के लिए। तो हम लोग को पहले सबसे पहले बे लेंथ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बे लेंथ क्या होता है, उसी के हिसाब से ही हम लोग उसकी हेल्प लेके हम लोग अपना टोटल एरिया निकाल सकते हैं। सबसे तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, हमारा स्कैफोल्डिंग ड्यूटीज़। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ड्यूटीज़, स्कैफोल्डिंग ड्यूटीज़ क्या है, उसमें क्या है हमारा जो ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग क्यों जानकारी सबसे पहले लेंगे, कि ड्यूटी में ही हमें पता चलता है कि हमारा जो स्कैफोल्डिंग की ड्यूटी के हिसाब से पर स्क्वायर मीटर जो हमारा लोड रहता है, जो स्टैंडर्ड है एज़ पर 29 CFR 1926, ओसा स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा जो पर स्क्वायर मीटर पे हमारा लोड रहता है वो कितना हम लोग दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम लोग तीन चीज़ों के बारे में बात की है, सबसे पहले आता है हमारा स्कैफोल्डिंग मटेरियल। स्कैफोल्डिंग मटेरियल 29 CFR 1926 के अकॉर्डिंगली हमारा जो मटेरियल होना चाहिए उसमें क्या आता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा स्कैफोल्डिंग का पाइप, हम लोग स्कैफोल्डिंग ट्यूब यूज़ करते हैं, तो ऊषा स्टैंडर्ड क्या कहता है कि हमारा जो पाइप का नॉमिनल बोर, नॉमिनल बोर मतलब कि इंटरनल डाया 40 mm होना चाहिए, आउटर डाया 48.6 और इसकी पाइप की जो थिकनेस होती है 4 mm तक होनी चाहिए। और हमारे जो मटेरियल बाकी जो मटेरियल रहते हैं कॉम्पोनेंट्स रहते हैं, इसका फोल्डिंग क्लैम्प्स वगैरह रहते हैं, AN74 का होना चाहिए, BS स्टैंडर्ड का होना चाहिए, BS1139 का होना चाहिए, ऐसे करके हमारा जो कोडिंग के हिसाब से मटेरियल कोड जो है उसके अकॉर्डिंगली ही मटेरियल हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट, बे लेंथ। बे लेंथ क्या होता है, एक वर्टिकल से दूसरे वर्टिकल की दूरी, समझ में आप वीडियो में देख सकते हो, पिक्चर में देख सकते हो, एक वर्टिकल से दूसरे वर्टिकल की जो दूरी होती है हम लोग उसको बे लेंथ कहते हैं। तो समझ में आ गया। तो हमारा बे लेंथ की ज़रूरत कब पड़ती है दोस्तों, वो बे लेंथ जो है हमारा स्कैफोल्डिंग का एरिया निकालने के लिए, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म जो हमारा एक बे मतलब एक वर्टिकल तो दूसरे वर्टिकल तक जो हमारा स्कैफोल्डिंग का दूरी रहती है उसको बे लेंथ बोलते हैं, और उसी को हम लोग एक दूसरे से गुणा करते हैं तो हमारा जो टोटल एरिया स्कैफोल्डिंग का निकल आता है, जो हमारे एक बे का एक प्लेटफॉर्म का रहता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, ये भी पता चल गया कि बे लेंथ क्या होता है। अभी मेन टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले ड्यूटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो एक टॉपिक है दोस्तों, इसमें ड्यूटीज़ के हिसाब से ही हम लोग अब इसका लोड कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है लाइट ड्यूटी, दूसरा आता है मीडियम ड्यूटी, और तीसरा आता है हमारा हैवी ड्यूटी। इनमें आपस में फ़र्क क्या है, आपस में डिफरेंट क्या है, ये भी मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि ये भी हमारा ओसा स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम लोग बात कर रहे हैं। ओसा स्टैंडर्ड जैसे मान लो 29 CFR 1926 के अकॉर्डिंगली हम लोग बात करेंगे हमारे तीनों जो स्कैफोल्डिंग के ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले लाइट ड्यूटी की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसकी डायमेंशन और इसका पर स्क्वायर मीटर जो लोड रहता है, वो तीनों का आपस में अलग अलग होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ड्यूटी के अकॉर्डिंगली हमारा जो बे लेंथ, यानी मैंने पहले जैसे मैंने पहले बात किया कि बे लेंथ क्या होता है, इसका जो बे लेंथ है जैसे ड्यूटी बढ़ता है वैसे उसका बे लेंथ जो कम होता जाता है और जो लोड है वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है कि हम लोग पर स्क्वायर मीटर पे लोड बढ़ा के दे सकते हैं। तो सबसे पहले लाइट ड्यूटी की बात करेंगे तो इसका जो डायमेंशन रहता है, इसका रहता है 3 मीटर बाय 1.25 मीटर, और इसकी हाइट हम लोग अप्रोक्सीमेट 2 मीटर रखते हैं, जो
स्टैंडर्ड है। उसके बाद इसका जो लोड कैलकुलेशन पर स्क्वायर मीटर है वो है 125 केजी पर स्क्वायर मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा मीडियम ड्यूटी। मीडियम ड्यूटी में क्या होता है, जैसे मैंने पहले बात किया था कि बे लेंथ कम हो जाएगी, इसकी जो बे लेंथ है, जो लंबाई है हमारा जो, उसका 2 मीटर हो जाएगा और विड्थ जो है उसकी 1.25 मीटर ही रहेगी, और जिसकी हाइट है वो भी स्टैंडर्ड है 2 मीटर तक ही रहती है। और इसका जो पर स्क्वायर मीटर लोड रहता है वो 250 केजी पर स्क्वायर मीटर इसका लोड कैपेसिटी रहता है, जो हमारा मीडियम ड्यूटी में एज फॉर ओसा स्टैंडर्ड के हिसाब से। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा तीसरा जो हमारा स्कैफोल्डिंग का ड्यूटीज़ रहता है वो है हैवी ड्यूटी स्कैफोल्ड। हैवी ड्यूटी स्कैफोल्डिंग मैंने पहले बात किया हमने, जैसे कि उसका जो लेंथ रहता है, बे लेंथ रहता है वो और कम हो जाता है। जैसे उसमें पहले 2 मीटर था तो इसमें 1.5 मीटर हो जाता है। इसका 1.5 मीटर बाय 1.25 मीटर इसका विड्थ, और इसका हाइट जो है स्टैंडर्ड जो हमारा 1.8 मीटर, जहाँ 2 मीटर हम लोग रख सकते हैं हमारा वो है। और इसका जो पर स्क्वायर मीटर लोड है वो 375 केजी पर स्क्वायर मीटर होता है। तो दोस्तों आप एक बार फिर मैं बात करूँगा, देखिए आप लाइट ड्यूटी में क्या है, 3 मीटर बाय 1.5 मीटर इंटू 2 मीटर इसका जो डायमेंशन हो गया, और उसका जो पर स्क्वायर मीटर हमारा लोड है 125 केजी पर स्क्वायर मीटर इसका लोड आ गया। उसके बाद आ गया मीडियम ड्यूटी। मीडियम ड्यूटी के बारे में बात किया था तो 2 मीटर बाय 1.25 मीटर इंटू 2 मीटर इसका जो लोड कैलकुलेशन है पर स्क्वायर मीटर 250 केजी होता है। उसके बाद हैवी ड्यूटी की बात करेंगे तो और उसकी विड्थ बे लेंथ जो कम हो जाएगी 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 2 मीटर इसका डायमेंशन हो जाता है, और इसका जो लोड है, लोड कैपेसिटी है वो कितना रह जाता है हमारा 375 केजी पर स्क्वायर मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारा जो तीनों ड्यूटीज़ है इसमें आपस में क्या फ़र्क है। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं फिर एक बार बोलूँगा, इसका जो डायमेंशन जिसको हम लोग बे लेंथ बोलते हैं, और इसका जो लोड पर स्क्वायर मीटर हमारा है उसी को हमको ध्यान में रखना है। ये क्या था, ओसा स्टैंडर्ड के हिसाब से 29 CFR 1926 के अकॉर्डिंगली हमने बात किया। चलिए दोस्तों ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई, तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास जब आ जाती है, इनके बारे में हमारे पास नॉलेज रहती है, तो तभी हम लोग स्कैफोल्डिंग के लोड कैलकुलेशन के बारे में बात कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे पास लोड कैलकुलेशन निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले टोटल एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म एंड एज़ पर स्टैंडर्ड एज़ पर ड्यूटी पर स्क्वायर मीटर उसका जो लोड रहता है, जो हम लोग लोड दे सकते हैं, वो हमारे पास होना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों लाइट ड्यूटी की। एक लाइट ड्यूटी का स्कैफोल्डिंग है जिसका जो स्टैंडर्ड के हिसाब से 3 मीटर बाय 1.25 मीटर उसका डायमेंशन है, और उसका जो लोड कैपेसिटी है 125 केजी पर स्क्वायर मीटर, हम लोग पहले भी बात की वो है, तो उसी के अकॉर्डिंगली एक बे के ऊपर हम लोग कितना लोड दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक बे का टोटल एरिया होना चाहिए, प्लेटफॉर्म का एरिया होना चाहिए जो स्क्वायर मीटर में आएगा। तो वो हम लोग ऐसे निकालते हैं, सबसे पहले हमारा जो डायमेंशन है, जैसे अकॉर्डिंग टू ड्यूटीज़, लाइट ड्यूटी का जो हमारा डायमेंशन क्या है, 3 मीटर बाय 1.25 मीटर इसका डायमेंशन है। तो इसका हम लोग अगर गुणा आपस में गुणा करते तो आता है 3.75 स्क्वायर मीटर हमारा ये टोटल एरिया आ गया। उसके बाद हमारा जो पर स्क्वायर मीटर है एज पर स्टैंडर्ड एज पर ड्यूटीज़ के हिसाब से 125 केजी पर स्क्वायर इसका हमारा वो लोड भी हमारे पास है, SWL जो हमें इसका स्टैंडर्ड में दिया गया है वो हमारे पास है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा टोटल एरिया आता है, जैसे हमारा 3.75 हमारा टोटल एरिया प्लेटफॉर्म का आ गया, उसके बाद आता है हमारा 125 केजी पर स्क्वायर मीटर जो हमारा लोड है एक स्क्वायर मीटर के ऊपर वो आ गया। हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 450 केजी हमारा जो लोड कैलकुलेशन आता है एक बे के ऊपर। ये क्या था दोस्तों, हमने लाइट ड्यूटी का एक स्कैफोल्डिंग था जिसका हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा जो उसका डायमेंशन था 3 × 1.25 × 2 मीटर का जो हमारा उसका डायमेंशन था, उसी के अकॉर्डिंगली हम उसकी एक बे के ऊपर, एक बे के टोटल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग कितना लोड दे सकते हैं, हम लोग ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं। इसमें एक और भी चीज़ है दोस्तों, सबसे पहले वो मैं बात करूँगा, और क्या चीज़ है, देखो हम लोग कितना निकला 450 केजी पूरे एरिया के ऊपर, मतलब कि एक बे के ऊपर हम लोग 450 केजी वेट डाल सकते हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोग 100% नहीं लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अलाउ करते हैं 250 या 300 करीब तक हम लोग अलाउ कर सकते हैं कि हमारा इतना आप लोग दे सकते हो टोटल वेट, वैसे SWL इतना है पर हम लोग 100% उसको नहीं दे सकते। मान लीजिए हम लोग 300 भी बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों उसमें वो मेन पावर कितना लेगा, उसमें टूल एंड टैकल कैसे जाएगा, उसको डिवाइड करके हम लोग अलाउ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 आदमी है तो एक आदमी का 60 KG वेट है, तो 3 × 16 कितना हुआ,
6 से 18 मतलब 180 के करीब हमारा बनता है, 180 के जी के करीब बनता है। तो उसमें बाद में टूल एंड टैकल्स लेके भी जाता है, तो हम लोग उसको 19-21 करके अब अलाउ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और भी किसी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम लोग उसके लिए फिर ट्राई करेंगे, उसको बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।